नमस्कार दर्शकों, 600 वर्ष पूर्व कबीर साहेब भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर के लहरतारा तालाब में प्रकट हुए और एक निसंतान जुलाहा दंपति को मिले, जहां उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से हुई। जब वह 5 वर्ष के हुए, तब से ही उन्होंने बड़े बड़े संतों, महंतों और विद्वानों के आध्यात्मिक ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए थे। इसी कारण अन्य धर्म गुरु उनसे ईर्ष्या रखते थे। इसी ईर्ष्या के चलते समय व्यतीत होता गया और उन्होंने कबीर परमेश्वर पर कई जुल्म गुजारे, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। दर्शकों, कबीर साहेब एक जुलाहे का कार्य करते थे और जो भी मेहनताना मिलता था उसे खर्च के लिए बचाकर बाकी का भंडारा कर देते थे। एक गरीब व्यक्ति की तरह वह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और सत्संग करते समय अपने शिष्यों को कहते थे कि परमात्मा से केवल इतना ही मांगा करो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे न रहें, अतिथि न भूखा जाए। इसी बात को अपने ऊपर एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए कबीर जी ने एक लीला की थी। कबीर साहिब जी द्वारा किया गया यह चमत्कार कई लोगों के लिए अब तक रहस्य बना हुआ है। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए उस अद्भुत लीला के बारे में, जिसमें एक गरीब भक्त की भूमिका निभाते हुए कबीर जी ने बताया कि किस प्रकार परमात्मा अपने भक्त की पुकार सुनता है। यह सत्य घटना है लगभग 500 वर्ष पूर्व की, जब कबीर परमात्मा अपनी झोपड़ी में रहकर कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। उस समय मुसलमानों के पीर शेख तकी ने कबीर परमात्मा को काशी से निकालने के लिए एक योजना बनाई, जिसके तहत भारत के सभी साधु संतों को कबीर जी के नाम से एक झूठी चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था कि कबीर सेठ पुत्र नूर अली अंसारी काशी में 3 दिन तक भंडारा करेंगे, जिसमें सभी साधु संत आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन के बाद एक मोहर तथा एक दोहर दी जाएगी। इसके अलावा सूखा सीधा भी दिया जाएगा। एक चिट्ठी शेख तकी ने अपने नाम तथा एक दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम भी भेजी, जो कबीर जी का शिष्य बन चुका था। निर्धारित समय से एक दिन पहले की रात में साधु संतों का काशी में आना शुरू हो गया था। सुबह सुबह जब संत रविदास जी सैर के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि झुंड के झुंड लाखों की संख्या में साधु संत काशी में इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कुछ साधुओं से इसका कारण जानना चाहा, तब संतों ने बताया कि यहाँ कबीर सेठ एक भंडारा कर रहे हैं। ये सुनकर रविदास जी जल्दी से कबीर साहिब की कुटिया पर पहुंचे और उन्हें सर्व वार्ता बताई तथा कहा कि अब तो हमें काशी छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कबीर जी अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी एक साधारण भक्त की तरह अभिनय करते हुए उन्होंने कहा कि रविदास जी आओ और झोपड़ी के अंदर बैठ जाओ तथा सांकल लगा दो। जब हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो ये अपने आप चले जाएंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। दोनों ही परमात्मा का स्मरण करने लगे और दूसरी तरफ कबीर परमात्मा दूसरे रूप में अपनी राजधानी सतलोक में पहुंचकर बैलों के ऊपर बड़े बड़े थैलों में पका पकाया सामान लेकर और कुछ सूखा सामान लेकर पृथ्वी पर उतरे, सतलोक से ही सेवादार आए। कबीर जी ने केशव नाम के बंजारे का रूप बनाया और एक तंबू में बैठ गए। भंडारा शुरू हो गया, जो कि सन 1513 विक्रम संवत 1570 में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष 14 से मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष 1 तक 3 दिन तक चिट्ठी में लिखे अनुसार दिव्य भंडारा कराया था। उस भंडारे में मुसलमान धर्म का पीर शेख तकी तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी भी आए। इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर शेख तकी ईर्ष्या में जलने लगा और जांच पड़ताल शुरू कर दी कि यह भंडारा कैसे चल रहा है। वहां पूछने पर उपस्थित लोगों ने बताया कि केशव नाम का व्यक्ति यहां की सारी व्यवस्थाएं देख रहा है और वहां तंबू में बैठा है। सिकंदर राजा ने केशव बंजारे से उनके बारे में पूछा, तब केशव ने उन्हें बताया कि कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं और उनका मेरे पास एक पत्र आया था कि छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। 3 दिन का अखंड भंडारा और 18 लाख साधु संतों को भोजन करवाना एक चमत्कार से कम नहीं था, और केशव के मुख से इसे छोटा भंडारा कहने पर शेख तकी जल भुन गया। इसके बाद सिकंदर लोधी ने कबीर जी से मिलने की इच्छा जताई तो वहीं का एक सेवक उन्हें कबीर जी की झोपड़ी पर लेकर गया। सिकंदर लोधी के कई बार प्रार्थना करने पर कबीर जी ने कहा, रविदास जी सांकल खोल दो। परमात्मा के चरणों में मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करके राजा ने कहा कि आप अल्लाह की जात हो,
आप पूर्ण परमात्मा हो, आपकी जय जयकार हो रही है परमात्मा। सभी आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, दर्शन देकर सभी को कृतार्थ करें। तब कबीर परमात्मा सिकंदर लोधी के साथ जाने के लिए अपनी झोपड़ी से बाहर आए। तभी आसमान से एक हीरे मोती से जड़ित मुकुट उनके सिर पर रख गया। फिर हाथी पर बैठकर कबीर जी भंडारा स्थल पर पहुंचे। जैसे ही कबीर जी तंबू में केशव के पास पहुंचे, तभी वहां बहुत ही सुंदर सुसज्जित सिंहासन आसमान से आया, जिस पर कबीर साहिब जी विराजमान हुए। कबीर जी और केशव के बीच 8 पहर तक तत्व ज्ञान की चर्चा चली, जिसके माध्यम से कबीर जी ने 18 लाख साधु संतों को ज्ञान समझाया और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कबीर परमात्मा से नाम दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार 3 दिन तक भंडारा चलता रहा और फिर समापन करके 9 लाख बैल तथा साथ में आए सेवादार वापस सतलोक चले गए और हजारों लोगों के सामने केशव बंजारा कबीर परमात्मा के अंदर समा गए। यह लीला देखकर सिकंदर लोधी आश्चर्यचकित रह गया और परमात्मा के चरणों में गिरकर कहा कि हे कबीर जी, यह सब आपकी ही लीला है और आप ही सब कुछ करने वाले हो। दर्शकों, परमेश्वर द्वारा किए गए इस विशाल भंडारे की प्रशंसा करते साधु संत थक नहीं रहे थे, लेकिन ईर्ष्या के मारे ऐसे विशाल भंडारे को देखकर भी शेख तकी ने कहा कि ऐसे भंडारे तो हम 100 कर दें, यह तो महोच्छा सा किया है। इतना कहते ही शेख तकी गूंगा हो गया और भुगत कर मरा। इसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, कोई कहे भंडारा बिना कोई कहे महोच्छा, बड़े बड़ाई देते हैं वाही गाली का डे ओछा। दर्शकों, कबीर परमात्मा द्वारा कराए गए इस 3 दिवसीय भंडारे के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 14-15-16 नवंबर 2024 को 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का महासमागम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ, 3 दिवसीय अखंड भंडारा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस विशाल समागम में परमार्थ के कई कार्यक्रम जैसे सैकड़ों दहेज मुक्त आदर्श विवाह, रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा, सतलोक आश्रम खमाणो, पंजाब, सतलोक आश्रम धुरी, पंजाब, सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान, सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली, सतलोक आश्रम धनुषा, नेपाल। वहीं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के अवसर पर विशेष सत्संग समागम का सीधा प्रसारण आप हमारे संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी फेसबुक पेज पर 16 नवंबर को सतलोक आश्रम धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा से सुबह 9:15 से देख सकते हैं।